में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो वो क्या ड्राफ्ट है? जब तक लॉ कमीशन उस ड्राफ्ट को आपके सामने नहीं रखता, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी का भी कोई भी टिप्पणी करना उचित है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। देश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अब इस पर चर्चा जो है वो तेज होती जा रही है और लग रहा है कि बहुत जल्द देश में इसको लाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में एक एक करके तमाम दल जो इसे समर्थन में खुल के सामने आ रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के साथ साथ जदयू का भी नाम शामिल हो गया है। तो दूसरी तरफ जो बड़ी पार्टियां हैं जिसमें RJD कांग्रेस जैसे दल शामिल हैं, ये फिलहाल इस पूरे मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब इस पूरे मामले पर चिराग पासवान जो कि NDA का हिस्सा खुद को बताते रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो केंद्र की NDA सरकार है उसकी नीतियों का समर्थन करते रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान चौंकाने वाला है। अमूमन तमाम दल जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बिना उसका मसौदा देखे हुए ही एक तरीके से उनके समर्थन में आने की बात जाहिर कर चुके हैं। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने BJP को एक तरीके से झटका देने की कोशिश की है। चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक कि ड्राफ्ट सामने नहीं आता है तब तक इस पर समर्थन करना या इस पर कोई बात रखना जल्दबाजी होगी। पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। भाई देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात है, भारत विभिन्नताओं का देश है और भारत की खूबसूरती ही यही रही है कि जितनी भी विभिन्नताएं हैं यहां पर, हर किसी को अपनी पहचान इस देश में रहते हुए मिली है। ऐसे में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, जब तक इसका ड्राफ्ट सामने नहीं आता, ये लॉ कमीशन की पहली जिम्मेदारी बनती है कि भाई इसका ड्राफ्ट तो दें। जहाँ पर अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग नियम कायदे कानून परंपराएं हैं, आप एक ही धर्म में देखिएगा तो कई अलग अलग क्षेत्रों में जाके परंपराएं बदलती हैं और वो उन परंपराओं को मानते हैं। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को ही ले लें तो आप ऊपर नॉर्थ में अलग हैं, डाउन साउथ जाते जाते तक नॉर्थ में उसके नियम कायदे कानून अलग हैं, रिश्तेदार जनरेशंस में आप नहीं कर सकते, डाउन साउथ जाते जाते अपने अंकल के साथ आप शादी ब्याह कर सकते, तो कई ऐसे नियम कायदे कानून हैं। आप ईस्ट में जाएंगे, ईस्ट की परंपराएं और हैं, साउथ की और हैं, नॉर्थ की और हैं। तो ऐसे में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो वो क्या ड्राफ्ट है? जब तक लॉ कमीशन उस ड्राफ्ट को आपके सामने नहीं रखता, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी का भी कोई भी टिप्पणी करना उचित है। एक बार वो ड्राफ्ट आएगा, उस ड्राफ्ट को मैं, मेरी पार्टी पूरी गंभीरता से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही उस पर अपनी टिप्पणी देना उचित है। बता दें आपको कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की मांग लंबे अरसे से देश में होती रही है। BJP के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रमुख एजेंडा रहा है। BJP ने इसके पहले के तमाम अपने वायदे जो है चुनाव से पहले पूरे कर दिए हैं, जिसमें राम मंदिर समेत 370 हटाने तक का फैसला लिया जा चुका है। लेकिन अब क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भी BJP इसी सरकार में लाने जा रही है? क्या इसका मसौदा जो है वो जनता के सामने, देश के सामने होगा? इन तमाम चीज़ों पर जो है कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का यह बयान कहीं ना कहीं BJP को टेंशन में डाल सकता है। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने इस बयान के सहारे BJP पर भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी भी चिराग पासवान की बात BJP के साथ पक्की नहीं हुई। ऐसे में प्रेशर पॉलिटिक्स का के तौर पर इसको देखा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।